Hello friends, I'm Rathi and welcome to yet another lecture about hybridization. In previous video, I told you about the concept of hybridization, the phenomenon of hybridization. In this video, I'll be telling you some of the important points which you should remember regarding hybridization. So let's start. It's chapter number 12, class 10. Some important points about hybridization. First point, only those orbitals which have approximately equal energies and belong to the same atom or ion can undergo hybridization. ऐसे orbitals जिनकी approximately equal energies हैं और वो same atom को belong करते हैं या इसी ion को belong करते हैं, सिर्फ वही hybridization के process में जाएंगे. ठीक है? So those orbitals, only those orbitals which have equal energies, approximately equal energies and belong to the same atom or ion can undergo hybridization. Fine. Now second point, number of hybrid orbitals produced is equal to the number of atomic orbitals mixed. देखिए जो हम number of hybrid orbitals को produce करते हैं, they are equal to the number of atomic orbitals mixed. जितने atomic orbitals हम mix करेंगे, उतने ही हमें hybrid orbitals मिलेंगे. ना उनसे ज़्यादा, ना उनसे कम. आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमेनन के बारे में बताया थी, मैंने आपको बताया था 2s, 2px, 2py, 2pz ये चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे. इन्होंने अपने ये चारों के चारों हाइब्रिडाइज हुए और चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए. दैट मींस आई गॉट फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो आप देख सकते हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने हाइब्रिडाइज किए, उतने ही मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले. ना उनसे ज्यादा, ना उनसे कम. सो देयर विल बी द नंबर, सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट मींस नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे, उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे. Now, third point, it is not necessary that all of the half-filled atomic orbitals of an atom must participate in hybridization. देखिए, कार्बन का जो मैंने केस बताया था, उसमें जब मैंने मीथेन का एक्सप्लेन किया था, उसमें जो चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, चार half-filled atomic orbitals थे, वो चारों half-filled atomic orbitals hybridize हुए और चार hybrid orbitals मिले. तो फिर चार हाइड्रोजन एटम्स आए और उन्होंने चार जो मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे उन पे ओवरलैप किया और बॉन्ड बनाया. वहां था sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर जितने हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें. किसी किसी क्वेश्चन मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा होगा, सपोज इफ आई एम हैविंग फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो किसी केस के अंदर आई एम यूजिंग ओनली, इफ आई एम हैविंग फोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी केस में अगर मेरे पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल हैं और मैं उनमें से, जरूरी नहीं है कि मैं चारों के चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूं. आई कैन टेक टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट मींस आई कैन टेक टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन. बाकी के तो एज इट इज रह सकते हैं. सो इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक ऑल द हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस. ये जरूरी नहीं है कि हम जितने भी हमारे पास हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, उन सभी हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में लें. तो वही चीज लिखी है थर्ड में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ द हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जितने भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हाफ फिल के, ऑफ एन एटम मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडाइजेशन में. चार में से दो भी कर सकते हैं, चार में से एक भी कर सकते हैं, चार में से तीन भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे करें. ठीक है, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. फाइन. Fourth point, it is not necessary that only half-filled atomic orbitals, can participate in hybridization. Even completely filled atomic orbitals with slight difference in energies can also participate. अभी जो example मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि चार atomic half-filled orbitals हैं मेरे पास, I'm having four half-filled atomic orbitals, उन्होंने participate किया hybridization में और मुझे मिला four sp3 hybrid orbitals. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ half-filled atomic orbitals ही participate कर सकते हैं hybridization में,
लेकिन कभी कभी जो मेरे पास फुली फिल्ड रोमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं रोमिक ऑर्बिटल्स में. तो जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ हाफ फिल्ड रोमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है, तो अभी तक आपने चार पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा कि दोज ऑर्बिटल्स जिसमें इक्वल एनर्जीज होती है, अप्रोक्सीमेटली वो ऑर्बिटल्स जिनके अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जीज है, इक्वल एनर्जीज है ऑफ द सेम एटम और द आयन कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी इक्वल अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जीज है, वो सेम एटम को बिलोंग करते हैं या सेम आयन को बिलोंग करते हैं, वो अंडरगो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन के. दूसरा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिडाइज करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे. तीसरे मैंने ये बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में लें. अगर मेरे पास फोर हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो मैं तीन ले सकती हूँ, दो ले सकती हूँ, एक ले सकती हूँ. जरूरी नहीं है कि मैं सारे सारे लूँ. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री कि मुझे किस तरह की स्ट्रक्चर चाहिए और मैं क्या हाइब्रिडाइजेशन बनाना चाहती हूँ, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेना चाहती हूँ. तो जरूरी नहीं है कि मैं सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में डाल दूँ. क्या पता चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से, चार हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से मैं दो ही एटॉमिक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में डालूं. ठीक है, इट वाज थर्ड. फोर्थ ये है कि ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे. ये जरूरी नहीं है, दिमाग में ये प्लीज डालिए, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. फाइन, कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन नेवर टेक्स प्लेस इन आइसोलेटेड एटम्स बट इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. हाइब्रिडाइजेशन आइसोलेटेड एटम्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा. दैट मीन्स देयर विल बी नेवर हाइब्रिडाइजेशन टेकिंग प्लेस इन आइसोलेटेड एटम्स. आइसोलेटेड एटम्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ कभी भी. वो तभी अगर होगा हाइब्रिडाइजेशन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. सो व्हेन देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन तभी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस टेक पार्ट करेगा. आइसोलेटेड एटम में मतलब सिंपल एक आइडल एटम बैठा हुआ है, मैं ऐसे सिंपली खड़ी हूँ, या कोई भी एक सिंपल एटम है एज इट इज पड़ा हुआ है आइसोलेटेड आइडल ऐसे, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा. लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी तब हाइब्रिडाइजेशन विल प्ले अ रोल ऑफ इट्स. ठीक है, अपना रोल वो तभी प्ले करेगा. द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. देखिए हाइब्रिडाइजेशन कुछ वीडियोस बाद में, अभी आने वाले कुछ वीडियोस में आई विल टेल यू देयर आर मोर देन थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो द बेसिकली जो हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज अबाउट sp3 sp2 एंड sp. तो जो हाइब्रिडाइजेशन का जो मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन. So these three or more than these three determines the geometry of the molecule. जब sp3 hybridization होगा तब कैसी geometry होगी molecule की, जब sp2 hybridization होगा तब कैसी geometry होगी molecule की, जब sp hybridization होगा तब कैसी होगी geometry इसकी molecule की. So hybridize the type of hybridization, जो भी type मैं derive करूंगी, जैसे मेरे को एक molecule दी गया, पहले मैं उसे पता करूंगी कि इसमें किस तरह की hybridization है. अब उस hybridization के बेस पे ही मैं पता कर पाऊंगी कि geometry कैसी है molecule. ठीक है, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मुझे मिलेगा, जो भी मैं डिटरमाइन करूंगी, जो भी मैं पता करूंगी हाइब्रिडाइजेशन की, उस मॉलिक्यूल में कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है वो डिटरमाइन करेगा ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को. सपोज मेरे को लगा कि मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसमें सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे. फाइन, और उसका स्ट्रक्चर भी वो sp3 पे डिपेंड करेगा. सो द हाइब्रिडाइजेशन, दैट मींस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन determines the geometry of the molecule. Seventh point, the same atom may undergo different types of hybridization in different compounds. The same atom may undergo different types of hybridization in different compounds. Different compounds में जो जैसे कि सपोज कार्बन है, कार्बन का कंपाउंड देखते हैं, एक एल्केन है, एक एल्कीन है, एक एल्काइन है, तो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 है, एल्कीन का देखिए तो sp. अब आप देखिए तीन डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तीन डिफरेंट कंपाउंड्स में तीन डिफरेंट तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, कार्बन. तो सेम एटम दैट मीन कार्बन कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डिफरेंट कंपाउंड्स.
ठीक है ना, तो वो जरूरी नहीं है कार्बन जो है वो सिर्फ sp3 में रहेगा, कार्बन कैन गो इन एनी ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, sp3 में भी, sp2 में भी, sp में भी. सो द सेम एटम जो है वो कैन अंडरगो different types of hybridization in different compounds. I hope these points regarding hybridization, these are the important points regarding hybridization might have been clear to you. Please in points ko apne mind mein rakhiyega jab aap hybridization ko applicative part mein use kar rahe hain, jab aap hybridization se related koi application part kar rahe hain, to in 7 points ko apne mind mein rakhiyega aur fir aage proceed karega hybridization ki application part ko. Fine, so if you are having any doubt regarding hybridization concept, then do ask your doubts in the space given below. And this brings me to the end of the session. It's me, Raki, saying you all a very goodbye.